ठाकुर। आशा है आज हमने फारसी बाजार में जो निर्णय लिया उसे तुम संतुष्ट होगे। संतुष्ट तो नहीं, पर हां प्रसन्न अवश्य हूं कि भगवान के भय से ही सही आपने अपनी प्रजा के हित में कोई निर्णय तो लिया। आप दोनों महिलाएं हमारे साथ बैठकर भोजन क्यों नहीं कर रही? क्योंकि पुरु, हम स्त्रियों का पेट तो परिवार के पुरुषों को भर पेट भोजन करता हुआ देखकर ही भर जाता है। क्या? जो भोजन पकाए और उसे परोसे वो स्वयं बाद में खाए क्योंकि वो एक महिला है? मां ये मुझे स्वीकार नहीं। ऐसी बात नहीं है पुत्र, तुम्हें और महाराज को भोजन परोसकर मुझे एक मां और पत्नी दोनों के कर्तव्यों को पूर्ण होते हुए अनुभूति होती है, एक संतोष मिलता है। और मेरे एक बेटे होने का कर्तव्य, महाराज के पति होने का कर्तव्य, उसका क्या मां? क्या आप स्त्रियों का जन्म हम पुरुषों की सेवा करने के लिए हुआ है? हम पुरुष यहां आराम से बैठकर भोजन करें और आप स्त्रियां हमारी एक दासी के भांति सेवा? मां ये तो अन्याय हुआ। पुरुष में अन्याय कैसा? अन्याय तो है ना, हमेशा से मैंने यही सीखा है कि एक स्त्री और एक पुरुष में कोई अंतर नहीं होता। बस ये लोक में भी हम सभी एक ही समान हैं, न तो कि राजा और रानी, उनमें भी कोई भेद नहीं। किंतु ये दस्यु संसार नहीं, कौरव राष्ट्र है पुरुषोत्तम, और तुम एक राजकुमार हो। उचित होगा कि शीघ्र ही राजकुमारों की भांति व्यवहार करो और इस राष्ट्र के संस्कारों को अपना लो।